अब क्या करें मैडम? एक तो तुम बहुत जल्दी ना परेशान हो जाते हो, रिलैक्स कर जाओ और कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। अंडरग्राउंड? वहाँ तो चूहे और सांप रहते हैं। एक तो तुम भी ना, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम ना फीना रखा है। जितना ही तुम शक्ल से फारिग हो ना, उतनी अकल से भी पैदल हो। एक काम करो, अब जल्दी निकलो यहाँ से। मैं जब तक तुम्हें कॉन्टेक्ट नहीं करूंगी ना, मुझे कॉल मत करना। ओके मैम। जल्दी जाओ। रीना, रीना तुम? सैंडी, गुड टू सी यू यार। हाँ, सेम हियर। तुम यहाँ कैसे? मैं एक्चुअली घर ढूंढ रही थी। क्यों? यहाँ पर क्यों? एक्चुअली मुझे ना मेरे मालिक मकान ने घर से निकाल दिया था। अब वो क्यों? कोई पर्सनल रीजंस थे। चल झूठी, मुझे पता है तुम्हारी बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई होगी और उसने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया होगा। मैं तो कब से सिंगल हूँ, कौन सा बॉयफ्रेंड? वो तो तुम शुरू से ही हो। तुम्हारी ना लेम जोक्स करने की आदत अभी तक नहीं गई। अच्छा यार, मुझे बस ये बताओ कि तुम यहाँ पर कोई घर मिला? यार एक्चुअली मुझे ना घर नहीं चाहिए, कोई अपार्टमेंट चलेगा, या तो फिर अगर किसी के घर में मुझे एक छोटा सा कमरा मिल जाए जहाँ मैं रह सकूँ। तो मेरे साथ रह लो। आर यू श्योर? हाँ हाँ, यही मैं रहती हूँ, बल्कि यही मेरा घर है। आ जाओ मेरे साथ। पक्का? श्योर यार, तुम ही दोस्त हो तो मेरे साथ रह सकती हो, बल्कि मैं तुम्हें एक अलग रूम भी दे दूंगी। चलो चलो, क्या सोच रही हो? वैसे आप दोनों का घर काफी अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। चुप करो मैंडी। तो तुम क्या बता रही थी, तुम क्या काम करती हो? मैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए नोट्स बनाती हूँ। भला ये कैसा काम हुआ? मैंडी, वैसे तो तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है, तो उसकी एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट के लिए नोट्स बनाती है। वैसे कैसे नोट्स बनाती तुम? तुम दोनों में ना ज्यादा कोई फर्क नहीं। अब बहुत ज्यादा फर्क है? मुझे तो नहीं लगता। अब तुम इसे छोड़ो, ये तो वैसे ही फजूल बातें करती है। तुम ये बताओ कि तुम इस काम से कितने पैसे कमा लेते? यही कोई 10-15 लाख। 10-15 लाख? इसमें इतनी हैरत वाली क्या बात? ये तो बहुत ज्यादा पैसे कमा लेती हो तुम। हाँ, कुछ ज्यादा है क्या? आपके लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा है। नहीं नहीं, ये तो मजाक करिए, ज्यादा नहीं है। वैसे ना मैं तुम्हें कह रही थी कि अगर तुम्हें मेरा घर अच्छा लगा है तो तुम यहाँ पर ऐसा पेइंग गेस्ट रह सकती हो, यहाँ पर तुम्हें सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। रियली? रियली? नॉट रियली, रियली। ये क्या था? क्या? ये रेली। मैंडी, तुम मेरे साथ इतने टाइम से रह रही हो, तुम अभी तक मुझे समझ ही नहीं सकी। हाँ, क्योंकि तुम इतने गिरगिट की तरह रंग बदलती हो, मैं तुम्हें कैसे समझूं? क्या? जी रेली। मैंडी बस ये सोचो कि रीना के यहाँ रहने से हमें कितना फायदा होगा। कितना? देखो, उसके यहाँ रहने से हमारे रेंट और खाने पीने की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। सैंडी, वो यहाँ पे एज ए पेइंग गेस्ट आ रही है, हमारी पुप्पी बनके नहीं। शट अप मैंडी, स्टूपिड, तुम्हें ये नहीं पता कि वो मेरी दोस्त है, मुझे पता उससे कैसे और क्या काम निकलना। मैं तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन करने से पहले ना डरती हूँ। यही तो है सैंडी, पल में तोला पल में माशा। हटो हटो, और बना दी है मेरी जिंदगी तमाशा। हेलो, मेरी बात जरा जल्दी से सुनो, कोई सुनना ले तुम ना संभल के चलना, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी, दीवारों के भी कान होते हैं। चलो, ओके बाय।
क्या बोल रही थी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन शक्ल से तो लग रहा था कोई खतरनाक बात ही थी। कुछ तो करना पड़ेगा। सैंडी ये रहो चाय। अच्छा सैंडी तुम करती क्या हो? मैं कभी कुछ और कभी कुछ। मतलब? मतलब मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती हूँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट? अच्छा, यानी कि कुछ भी नहीं करती। नाइस जोक। मेरे पास ना तुम्हारे लिए पैसा कमाने के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है। क्या? जो मैं नोट्स बनाती हूँ ना, तुमने बस स्टूडेंट्स तक पहुँचाने हैं और उनसे पैसे लाके मुझे दे देने हैं। आधे पैसे मेरे और आधे तुम्हारे। क्या? ये तो बहुत आसान काम है ना? अब मेरी ना दोस्त है मैंडी, वो और मैं मिलकर ये काम करेंगे। वाह, इस तरह तो तुम लोग डबल पैसे कमा लोगे। हाँ, तो फिर कब से शुरू करें? मेरी तरफ से आज से कर लो। ठीक है, तुम बस हमें नोट्स ला दो। तुम कितनी अच्छी हो। ठीक है। अब मैंडी, 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 आ रही हूँ। जल्दी आ जाए करो, कभी कुछ जरूरी काम भी होता है। अब ठीक है? हाँ, तुम्हारी फजूल की कॉमेडी खत्म हो गई हो तो हम कोई काम की बात करें। काम की बात? वो भी तुम। मैंडी, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो। वो ठीक ही कब होता है मैंडी? अब हाँ, ये देखो नोट्स। लेकिन मैं तो अभी स्टडी नहीं कर रही हूँ। मैंडी, ये रीना के नोट्स हैं। ये नोट्स हमने उसके स्टूडेंट्स को देने और उसके बदले हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। अब कितने? तुम्हारी छोटी सोच से भी ज्यादा। अब देखो सैंडी, ना इस रीना में कोई गड़बड़ लगती है। क्यों? क्या वो लूली लंगड़ी है? क्या वो अंधी बैरी है? क्यों तुम्हें उसमें कोई गड़बड़ लगती है? देखो, आप फजूल की कॉमेडी कौन कह रहे हैं? मैंडी, अपनी बकवास बंद करो, जो मैं समझा रही हूँ वो सुनो। काम करे तो पाए घाटा, सच से इनका ना कोई नाता। फ्रॉड करे ये ननगाले, दोनों ने है लाखों झंझट पड़े। लेकिन आप स्टूडेंट हैं? बिल्कुल, मैं ही स्टूडेंट हूँ। हैं? हाय रब्बा, इस उम्र में पढ़ाई? इंसान सारी उम्र पढ़ता है। लाएं। Anyways, ये ले। वो नहीं करना, ये नहीं करना, करने को है सब कुछ ही करना। मेरा स्टूडेंट? शक्ल से तो नहीं लग रहा था स्टूडेंट। कैसे नहीं लग रहा था, मेरा स्टूडेंट ही है। और तुमने मुझे देख तो उसे भेज क्यों दिया? वैसे उसने जाना था। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है, क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं, मेरे काम की चीज है। काम की चीज है? तुम मुझे भी दिखाओ ना काम की चीज है। दिखाओ दिखाओ।
तुम्हारे किसी काम की नहीं है, तुम जाओ ना। किसी काम की चीज कुछ ना कुछ बात तो है, मेहंदी पता लगा के रहेगी। देखना तो सही। यार मैंडी, इतने सारे पैसे वो भी इतनी आसानी से। सैंडी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। शट अप मैंडी, फिर गड़बड़। तुम शट अप, कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बातें सुनने लायक हैं? मेरी बातें तो सुनने लायक हैं। अच्छा, कैसे? है ना कोई गड़बड़ मैंडी? गड़बड़ ना सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। हाँ जी, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कभी कोई अच्छी बात आ ही नहीं सकती। क्या कौन जाए? शट अप मैंडी, मैं तुम्हें बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब तक रीना इस घर में है ना, हम जितने पैसे उससे कमा सकते हैं कमा लें। इस काम में तो बहुत मजा है। ये तो अभी शुरुआत है। क्या मतलब? मतलब कि जितना इस काम में पैसा और मजा है ना, तुम्हें आगे आगे जाके पता चलेगा। ये तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी वक्त नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी तुम दोनों की ट्रेनिंग चल रही है। क्या बात कर रही हो यार, नोट्स देने में कैसी ट्रेनिंग? नोट्स तो एक बहाना है, असल कहानी तो कुछ और है बॉस। अब देखो, तुम पहेलियां की बुझवा रही हो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम्हारा दिमाग है भी सही। शट अप, तुम्हारी इतनी जुरत, तुम मेरे साथ इस तरह की बातें कर रही हो? ओह गॉड, तुम दोनों लड़कियां इतना चीखती क्यों? रिलैक्स। खबरदार, इसके बाद मुझसे इस तरह बात की तुमने तो। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, आर यू रेडी टू गो? किस लिए? मेरे बॉस से मिलने के लिए। कौन है तुम्हारा बॉस? मेरा बॉस काला टाइगर। ये कैसा नाम है? जैसा नाम वैसा काम। अब चल रही हो कि नहीं? चलो। आज पुलिस ने छापा मार कर मुनशियात फरोश के गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गैंग की सरगना रीना खान को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रीना और उसका गैंग मिलकर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को मुनशियात बेचते थे। रीना ड्रग डीलर निकली और हमसे भी? पुलिस का कहना है इन समाज दुश्मनों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इनको कड़ी से कड़ी नहीं, इनको बड़ी से बड़ी सजा देनी चाहिए। मैंडी, मैंडी, आ रही हूँ। क्या हुआ तुम्हें? पानी पानी। शर्म से हो रही हो? मैंडी पानी लाओ। अच्छा ये लो पानी। क्या हुआ तुम्हें? मैंडी, तुम्हें पता है वो नीना वो ड्रग डीलर निकली। तुम्हें कैसे पता है? हाँ ना, मैं भी टीवी पर न्यूज देख के आ रही हूँ। क्या टीवी पर? मेरी शक्ल तो नहीं नजर आई ना टीवी पर? नहीं तो क्या तुम भी उनके साथ थी? हाँ, वो मुझे अपने साथ ले गई थी। मैं बड़ी मुश्किल से बच के वहाँ से आई हूँ। अरे क्यों बच गई? क्या? कुछ नहीं, देख लिया ना तुमने, तुम्हारे
तुम्हारी तरह तुम्हारे दोस्त भी नौसरबाज ने। मैंडी अपनी बकवास बंद करो, ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? मुझे तो पहले दिन से ही कोई गड़बड़ लग रही थी। अच्छा, पैसे लेते वक्त तो नहीं लग रही थी तुम्हें गड़बड़? सैंडी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर उन लोगों ने पुलिस के सामने हम दोनों का नाम ले लिया तो। पुलिस तुम यही रुको, मैं तो जा रही हूँ अपनी जान बचा के। कहाँ? जहाँ मेरी जान बच जाए। सैंडी रुको, मुझे भी लेके जाओ।